बच्चों, आर यू एबल टू लिसन टू मी? आपको मेरी आवाज यदि सुनाई दे रही है तो हाथ हिला के संकेत दें बच्चों। वेरी गुड आफ्टरनून। टुडे माय टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन इज नोट मेकिंग। बच्चों, हम आज सभी लोग मिलकर के नोट मेकिंग सीखेंगे। नोट मेकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से 9th और 10th दोनों क्लास में मार्किंग को स्कोर किया जा सकता है। एक छोटे से अटेम्प्ट के बाद हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। तो हम लोग, प्लीज गेट रेडी टू राइट समथिंग, प्लीज गेट रेडी विथ पेन एंड नोटपैड। ओके चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक नोट मेकिंग। टुडे माय टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन इज नोट मेकिंग, के पढ़ी लिखना हिंदी में हम कह सकते हैं। नोट मेकिंग टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन, नोट मेकिंग। प्लीज गेट फोकस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली नोट मेकिंग इज। नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। आप लोगों का ध्यान चाहूंगा बच्चों, नोट्स होते क्या है? शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स, छोटे छोटे लिखे हुए अथवा रिकॉर्ड किए हुए कोई भी तथ्यों के समूह को हम लोग बच्चों नोट्स कहते हैं। नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। आप लोग लिखेंगे, हमें सबसे पहले ग्रामर की जो भी टर्म हमारे यूज होती हैं स्टडी करते समय, उन सारी टर्म्स का हमें नॉलेज होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो नोट्स क्या होते हैं बच्चों? नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। नोट्स छोटे छोटे जो रिकॉर्ड किए गए तथ्य वास्तविकताएं जिनको हमें भविष्य में किसी भी तरह से काम में लाना है, तो ऐसे तथ्यों के संग्रह को हम लोग बच्चों नोट कहते हैं। नोट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली स्लाइड देखेंगे। नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। व्हाट इज नोट मेकिंग? अब नोट मेकिंग होता क्या है बच्चों? नोट मेकिंग इज यूज टू टर्न अ पीस ऑफ टेक्स्ट इनटू योर ओन वर्ड्स। नोट मेकिंग में किसी भी, या वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, या किसी भी विषय का कोई भी एक पीस ऑफ पैराग्राफ हो, उसको हम अपने शब्दों में लिख करके किसी भी प्लान के तहत उसको हम लंबे समय तक रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास डायरी में बहुत सारी चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो हमें क्या होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को लिख करके पूरी उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जैसे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स को हम याद नहीं रख सकते बहुत लंबे समय तक, तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम कभी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखते हैं, तो ऐसी चीजों को लिखने के संग्रह को हम लोग बच्चों बोलते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इज यूज टू टर्न अ पीस ऑफ टेक्स्ट इनटू योर ओन वर्ड्स। किसी भी टेक्स्ट को, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, उस टेक्स्ट को हम अपने शब्दों में लिख करके रख सकते हैं। जैसे परीक्षा में नोट्स बनाने की एक बहुत पुरानी परंपरा है बच्चों, हम सब लोग किसी भी टॉपिक को लेते हैं और उसमें से जो महत्वपूर्ण आवश्यक बातें होती हैं उनको नोट्स के माध्यम से हम लोग रख सकते हैं सजो के, और जब आवश्यकता पड़ती है तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो नोट मेकिंग क्या होता है बच्चों? इट इज अ टर्म, इट इज यूज्ड टू टर्न अ पीस ऑफ टेक्स्ट इनटू योर ओन वर्ड्स। आगे की स्लाइड्स हम देखेंगे बच्चों। नोट मेकिंग इज यूज्ड टू टर्न अ पीस ऑफ टेक्स्ट इनटू योर ओन वर्ड्स। इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग की बच्चों आवश्यकता क्यों होती है? आप लोग कभी ये भी समझ पाएंगे कि नोट मेकिंग क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। तो हम आपको बता दें बच्चों कि नोट मेकिंग आपके सभी विषयों के लिए बहुत ही उपयोगी है, या वो हिंदी हो, या इंग्लिश हो, या गणित हो, हमें सबके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को जब हम संभाल के रखते हैं अपने पास, फॉर्मूला या कोई भी डेट या कोई भी सूत्र जिसको आवश्यक है हमको लिखने के लिए, या समय समय पर जिसकी हमें जरूरत होती है,
तो उस चीज को हम लोग रख सकते हैं. नॉलेज इज वास्ट, वी कांट रिमेम्बर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम. बच्चों नॉलेज बहुत विशाल होती है, बहुत विस्तृत ज्ञान का भंडार होता है. और ये बात बिल्कुल हम लोग समझ लें कि नॉलेज इज वास्ट, नॉलेज बहुत ही विस्तृत है. वी कांट रिमेम्बर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम. ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि हम सारी इंफॉर्मेशन हर समय याद नहीं रख सकते. और इसीलिए मुझे लगता है कि नोट मेकिंग हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है. बड़े बड़े सब्जेक्ट के पैराग्राफ्स हमें याद करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो हम लोग नोट मेकिंग के माध्यम से उनको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं और हम लोग उस चीज को कम समय में रिवाइज कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ नोट मेकिंग वी कैन रिकॉल ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वॉज हर्ड और रेड मंथ्स अगो. कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको किसी टीचर ने समझाई हो या बताई हो, या आप उस इंफॉर्मेशन को कभी सुन करके और उसको अपने शब्दों में लिख करके रख सकते हैं, तो आपको जब आवश्यकता पड़ेगी वो आपके काम आ सकती है. इट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट्स. नोट मेकिंग का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो क्या है कि यह हमारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में हमें मदद करती है. इसीलिए हम सबको नोट मेकिंग को समझना चाहिए और इस स्किल को डेवलप करना चाहिए. ये आपकी जीवन पर्यंत आपको मदद करेगी नोट मेकिंग की टर्म, और आपके लिए बहुत ही हितग्राही सिद्ध होगी. एट द टाइम ऑफ एग्जाम इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द होल बुक. बड़े बड़े फिजिक्स केमिस्ट्री के आगे चल के आपको बहुत सारे वास्ट सिलेबस मिलेंगे और हम सबके लिए बहुत कठिनाई होती है. हम पूरी किताब को एक साथ एग्जामिनेशन के समय पढ़ नहीं सकते. इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके महत्वपूर्ण शब्दों को, उसकी आवश्यक चीजों को हम अपने पास संभाल के रखते हैं और उसको फिर रिकॉल कर सकते हैं. एट द टाइम ऑफ एग्जाम इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द होल बुक. बड़ी बड़ी किताबों को हम लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई पूरे वर्ष होती है, लेकिन उनमें से जो छोटे छोटे नोट्स बना के हम रखते हैं, उन नोट्स को हमें पूरी साल में एग्जामिनेशन के समय बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है. एट सच टाइम्स नोट्स आर हैंडी, नोट्स आर हेल्पफुल. परीक्षा के समय में बच्चों नोट्स ही एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम पूरे सिलेबस को, सारे सिलेबस को रिव्यू कर सकते हैं कम समय में. तो हम कह सकते हैं कि नोट्स मेकिंग हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी टर्म है याद करने के लिए, समझने के लिए और बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को रिव्यू करने के लिए. क्लियर बच्चों? फंक्शन ऑफ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोट मेकिंग. द फर्स्ट एंड primary function of note making is that it keeps a lot of information. In short, बहुत सारी information को short में रखा जा सकता है note making के जरिए. क्या है बच्चों, हमारे साथ दोहराओ. It keeps a lot of information in short. बहुत सारी जानकारी को हम लोग संजो के रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं. इट हेल्प्स अस टू रिकॉल व्हाट इज सेड और रिटन. ये हमारे लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होता है कि क्या चीज लिखी गई हो या क्या चीज किसी के द्वारा कही गई हो, उस चीज को हम लोग लिख के रख लेते हैं. तो यह नोट मेकिंग होता है बच्चों. इट इज वेरी हैंडी. नोट मेकिंग बहुत ही बच्चों हैंडी होती है. हम नोट्स को कहीं पर भी अपनी पॉकेट में रख सकते हैं नोट्स को, है ना बच्चों? तो नोट्स हमारे लिए बहुत ही हैंडी होते हैं. हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबों को नहीं ले जा सकते. और बहुत सारी बातें आपके क्लास में टीचर ने समझाई और वो चीजें आप लोगों ने लिख ली नोट्स के रूप में, तो आप उसको दो तीन बार रिव्यू करेंगे तो वो चीजें बच्चों आपको परफेक्ट हो जाती है और फिर आपके लिए रिव्यू करने में आसानी हो जाती है.
तो हम सब बच्चों को नोट्स बनाना चाहिए और नोट्स बनाना हम सबको आना चाहिए। क्लियर बच्चों? फंक्शन ऑफ नोट मेकिंग आपको समझ में आ गए होंगे। द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ नोट मेकिंग इज इट कीप्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट। बहुत सारी जानकारी को संक्षेप में सजो के रखा जा सकता है नोट मेकिंग के माध्यम से। इट हेल्प अस टू रिकॉल व्हाट इज सेड और रिटन। जो बातें आपके टीचर द्वारा बताई गई कही हो उन बातों को यदि हम छोटे छोटे रूप में लिख लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है उनका उपयोग कर लेते हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए नोट मेकिंग की कला या स्किल बहुत ही आवश्यक है। इट इज वेरी हैंडी। यह बहुत ही हैंडी होता है, कहीं पर भी हम नोट्स को ले जा सकते हैं। अब हम बताते हैं कि विशेषताएं क्या होती है नोट मेकिंग की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट मेकिंग? द फर्स्ट एंड प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोट मेकिंग इज इट इज वेरी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। यह बहुत ही संक्षिप्त और सुडौल होता है। साइज इसका बहुत ही अच्छा होता है, कम होता है और हम इसको इंफॉर्मेशन को अपने पास सजो के आसानी से रख सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नोट मेकिंग में हम लोगों को बच्चों कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है और यह हमारे लिए मददगार होती है। मस्ट बी इन द लॉजिकल वे। जो भी आप नोट मेकिंग कर रहे हैं उसको बच्चों आप लोग बिल्कुल एक तर्क संगत बहुत ही अच्छी तरीके से उसको आप लोग बनाएं और यह क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल। आपका जो नोट मेकिंग है वो समझने के योग्य होना चाहिए, उसको आसानी से बच्चों हम लोग समझ सकें। तभी नोट मेकिंग आपकी कारगर सिद्ध होगी जब आप उसको समझ पाए। जैसे आपके टीचर क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और आप मैंने उनमें से डेट और जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो लिख लिए तो वो आपको परीक्षा के समय काम आ सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम अगली बात सुनेंगे, समझेंगे, अगली स्लाइड से देखेंगे बच्चों। हाउ टू मेक नोट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि नोट्स को हम लोग कैसे बनाएं। हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स को कैसे बनाएं, हम लोगों को नोट बनाना आना चाहिए। हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन में बच्चों हमें क्या करना है, रीडिंग। रीडिंग हमने यदि ठीक प्रकार से कर ली तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है रीड द पैसेज केयरफुली एंड गेट द मेन आइडिया टू नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द पैराग्राफ इज अबाउट। सबसे पहले हमें पैसेज को, जो भी पैसेज दिया गया है उसको ध्यान पूर्वक हम पढ़ें एंड गेट द मेन आइडिया टू नो, और उसका जो मुख्य आइडिया है उसका जो मुख्य भाव है उसको हम समझे। व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, किसके बारे में पैराग्राफ है, ये सबसे पहले हमें जानना अति आवश्यक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होगा कि पैराग्राफ को इस ढंग से पढ़े हम बच्चों कि हमें पता लग जाए कि आखिर पैराग्राफ किसके बारे में है। रीड द पैराग्राफ, रीड द पैसेज केयरफुली एंड गेट द मेन आइडिया टू नो व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट। पैराग्राफ को, पैसेज को ढंग से पढ़ें यह जानने के लिए कि यह पैराग्राफ किसके बारे में है और क्या बात कही जा रही है, यह हमें सबसे पहले रीडिंग में पता लगाना होगा। सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टांस इफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री इज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ विल बी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। किसी उदाहरण बतौर यदि कोई इस तरह का पैराग्राफ है जिसमें बार बार हम ट्री के बारे में जानकारी दे रहे हैं
ट्री के महत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें यह समझना होगा कि यह इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बता रहे हैं और इसका टाइटल इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज होगा। स्टेप वन क्या है बच्चों? रीड द पैसेज केयरफुली एंड गेट द मेन आइडिया टू नो व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट। सबसे पहले जिस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से ध्यान पूर्वक पढ़ें और यह जानने के लिए कि आखिर यह पैराग्राफ किसके बारे में है। बी, फॉर इंस्टांस, इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज मेंशन, देन द टाइटल ऑफ हेडिंग विल बी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। यदि किसी भी पैराग्राफ में बच्चों बार बार पेड़ों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि यह पैराग्राफ पेड़ों के महत्व के बारे में है। क्लियर बच्चों? अब हम अगली स्लाइड देखेंगे। स्टेप टू, रीडिंग में सबसे पहले हमने आपको बताया कि पैराग्राफ को आप पढ़ें और टाइटल जानने की कोशिश करें कि किसके बारे में पैराग्राफ है। अब जब आप टाइटल पता लगा लेंगे तो हमारा अगला जो पार्ट होगा, हमारा जो अगला स्टेप होगा वो हमें मेन पॉइंट्स, रीड द पैराग्राफ वंस अगेन एंड अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स। और जब आप पैराग्राफ में से टाइटल छांट लेंगे उसके बाद में आपका दूसरे नंबर का क्या होगा काम? उस पैराग्राफ में मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना। जो भी मुख्य बिंदु हैं उस पैराग्राफ के मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करें और उसके कीवर्ड्स को निकालें कि यह पैराग्राफ क्या क्या हमें मैसेज दे रहा है, वो सारी बातें हम उसमें से निकालें। जैसे ट्रीज का ही सपोज है तो हम लोग उसमें से डिटेल्स ले लें कि हाउ ट्रीज हेल्प अस, ट्रीज गिव अस क्या क्या चीजें देते हैं, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अगला पॉइंट होगा फ्रेश एयर, कंट्रोल फ्लड्स। तो दीज आर द पार्ट पॉइंट्स ऑफ ट्रीज। सबसे हेडिंग हम पहले डाल लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो मेन पॉइंट्स में हम लोग अंडरलाइन करके मेन पॉइंट्स को निकाल लेंगे। स्टेप थ्री, रीड द पैराग्राफ वंस अगेन एंड फाइंड द सपोर्टिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग डिटेल्स टू द मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स। जो भी बच्चों हम लोग पॉइंट्स निकाल लेंगे पैराग्राफ के, फिर उसके बाद में उसी से संबंधित सपोर्टिंग डिटेल के बारे में सब पॉइंट्स बना करके लिखेंगे, छोटे छोटे बिंदु। जैसे ट्रीज गिव अस, मैंने आपको बताया ट्रीज गिव अस, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब क्या क्या देते हैं? नंबर वन फ्रूट्स, नंबर टू वेजिटेबल्स, नंबर थ्री फ्रेश एयर, नंबर फोर कंट्रोल फ्लड्स। तो इस तरह से बच्चों आप लोग फिर दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग, फिर उसके नीचे 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से करते जाएंगे और भी हम आपको बताएंगे। मेकिंग नोट्स, जब आप नोट्स बनाएंगे तो फिर अगला स्टेप हमारा रहेगा अरेंज द मेन पॉइंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। स्टेप टू, कंट्रोल द लेंथ, लेंथ को कंट्रोल करेंगे, ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट ना हो, है ना। इसके बाद में यूज एक्रोनिम्स, जिससे आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका हम LIC यूज करेंगे, यूनिसेफ यूज करेंगे, और जो स्टैंडर्ड शॉर्टेंड फॉर्म है जैसे गवर्नमेंट का GOVT, एग्जामिनेशन का एग्जाम, इम्पोर्टेंट का IMP, इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में एक्रोनिम्स का प्रयोग और शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और आपने देखा होगा कि हम लोग वाउल को अलग करके, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टीचर का हमने ई और ए और ई को हटा दिया है और TCHR, तो इस तरह से हम वाउल को हटा के, स्वर को हटा करके भी हम लोग
इस तरह के शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे टीचर का TCCHR, स्टूडेंट का STDNT, स्टेशन का में भी आप लोग वाउल हटा करके बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग शब्दों में से स्वर को हटा करके भी छोटे छोटे उसके पॉइंट्स को छोटा कर सकते हैं। और इसके बाद में स्टैंडर्ड एब्रीविएशन का हम लोग यूज कर देंगे, जैसे कि जनवरी है उसका JAN, फरवरी है तो FEB, मार्च का MAR, अप्रैल का तो APR, संडे का SUN, मंडे का MON, ट्यूजडे का TUE। तो आप लोग बच्चों इस तरह से शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेटेड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और वाउल निकालने वाला बहुत ही सरल और आसान उपाय है, जैसे टीचर है तो इसमें से स्वरों को हटा देंगे ई को, और स्टूडेंट में से एस वो सॉरी यू और ई को हटा करके हम लोग बच्चों इस तरह से शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, उनके एब्रीवेटेड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को ये मैंने बातें बताई, आप लोग इनको आसानी से याद कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, कंट्रोल द लैंग्वेज, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस को नोट्स में न लिखें, उसकी लेंथ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक्रोनिम्स जो स्टैंडर्ड है उन्हीं का उपयोग करेंगे, शॉर्टेंड फॉर्म जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम इंपॉर्टेंट इनका उपयोग करेंगे, और यदि हम लोगों को आवश्यकता हो तो इसमें स्वर को हटा करके भी शब्द का शॉर्ट फॉर्म किया जा सकता है, जैसे टीचर का TCHR, स्टूडेंट का STDNT, और भी आप टीचर की मदद से बहुत सारे एब्रीविएटेड फॉर्म को भी बताएंगे इसकी लिस्ट करके, और इसके अलावा उसको बाउल को ड्रॉप करके भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली हम स्लाइड्स दिखाएंगे आपको। समरी, समरी को क्या करना है बच्चों, लिंक दी समरी इन अ नोट्स फॉर्म। लिंक दीज नोट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड फॉर्म द समरी। ये जो नोट्स आपने बनाए, छोटे छोटे आपने कीवर्ड्स का यूज किया, उन सबको लिंक करके अपने शब्दों में व्यक्त कर देंगे तो वो आपकी बच्चों समरी हो जाएगी। फिर से मैं बता दूं, लिंक दीज नोट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड फॉर्म द समरी। ये जो आपने नोट्स बनाए उसको प्रॉपर सीक्वेंस में हम रख देंगे तो क्या हो जाएगी, उसी की समरी हो जाएगी। तो आप लोग जब भी नोट्स में अंडरलाइन करें की पॉइंट्स को, तो ये ध्यान रखते हुए करें कि कौन कौन से सेंटेंसेस, कौन कौन से शब्द आवश्यक हैं। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज जो अक्सर पूछा गया है, तो हम लोग पेड़ों का महत्व यदि बार बार दिया जा रहा है तो उसको पैराग्राफ को इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज टाइटल दे करके फिर उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे, हाउ ट्रीज हेल्प अस, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। तो ये पॉइंट्स बना करके उसके छोटे छोटे बिंदुओं को लिख सकते हैं। समरी में वो जो नोट्स आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है लिखा है, उन्हीं को आगे चल के हम लोग सीक्वेंस वाइज प्रॉपर सीक्वेंस में लिख देंगे तो वह आपकी समरी हो जाएगी। द समरी शुड बी शॉर्ट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि समरी में बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट संक्षिप्त और टू द पॉइंट, जो आवश्यक है वही इंफॉर्मेशन आप देंगे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल राइटिंग द समरी। समरी लिखते समय अननेसेसरी जो चीजें उनको हम बिल्कुल नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें जो आवश्यक कीवर्ड्स हैं उन्हीं को लिंकअप करके हम लोग समरी लिखते हैं। अब हम अगली स्लाइड देखेंगे बच्चों।
नोट मेकिंग दो प्रकार की होती है बच्चों, टॉपिकलाइजिंग और स्कीमेटाइजिंग। अब मैं बताता हूँ किस तरह से टॉपिकलाइजिंग और स्कीमेटाइजिंग होती है। आपको टॉपिकलाइजिंग जो आपको हाई स्कूल एग्जामिनेशन में किस तरह से आप लोगों को लिखना है, 1, 1.1, 1.2, 1.3। सेकेंड सब हेडिंग 2, 2.1, 2.2, 2.3। इसी तरह से बच्चों थर्ड नंबर पे थर्ड 3.1, 3.2, 3.3। तो इस तरह से बच्चों आप लोग टॉपिकलाइजिंग कर सकते हैं। और नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लास के लिए ये जो आपको टॉपिकलाइजिंग करना आना चाहिए, इसमें हेडिंग, फिर सब हेडिंग, देन पॉइंट्स, पॉइंट्स के बाद में फिर अगेन सब हेडिंग, फिर उसके पॉइंट्स, 3, 4, 5 जो भी आप बना सकते हैं, उसके बाद में थर्ड। ये आवश्यक नहीं है कि आप लोग सभी पैराग्राफ में 3 सब हेडिंग बनाए, 2 बनाए, 1 बनाए, जितनी आवश्यकता है उतनी आप लोग सब हेडिंग बना सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द पीस ऑफ पैराग्राफ दैट वाज गिवन इन द एग्जामिनेशन। जो पैराग्राफ आपकी परीक्षा में दिया गया है उसी पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कि सब हेडिंग 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ये बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों, इसीलिए आप लोग ये फॉर्मेट को लिख लेंगे। इसमें पॉइंट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सब पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लिख पा रहे होंगे, इस फॉर्मेट को आप लोग बना लें। इसको बोलते हैं टॉपिकलाइजिंग। टॉपिकलाइजिंग 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 आवश्यकता है तो, अदरवाइज सेकेंड पॉइंट 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, यदि आवश्यकता है तो 3 पॉइंट बनाइए, नहीं बनाइए तो फिर आप लोग उसी को फर्स्ट और सेकेंड को इलेबोरेट करें। ठीक है बच्चों, अगली स्लाइड हम दिखाएंगे आपको। स्कीमेटाइजिंग ट्री डायग्राम, स्कीमेटाइजिंग को हम लोग बच्चों ट्री डायग्राम भी बोलते हैं। इसका फॉर्मेट दूसरा भी हो सकता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह का। इसमें मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे पॉइंट्स, इस तरह से हम लोग इसकी स्कीमेटाइजिंग का भी उपयोग कर सकते हैं नोट मेकिंग में। लेकिन ये 11th और 12th स्टैंडर्ड में है, आप लोग सिर्फ टॉपिकलाइजिंग ही करें। अब मैं आपको एक पैराग्राफ दे रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनेंगे। नोट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स एंड प्रिपेयर समरी। एमपी बोर्ड 2009 में यह पूछा गया था पैराग्राफ हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में, तो आप लोग समझेंगे। Success in your life depends largely on good health. Keep your body fit by cleanliness, fresh air, regular habits and suitable recreations. Make yourself strong to play the game and to do it in every Be alert in all things and beware of drinking wine. It is the deadly enemy of health and efficiency. Above all, remember that your character is a priceless possession. Therefore, keep it strong. Be truthful in all things. Be courteous and considerate to everybody. Be तो बच्चों आप लोगों के सामने हमने ये पैराग्राफ बताया। अब हम
इस पैराग्राफ के माध्यम से इसमें नोट्स देखना समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएं कि पैराग्राफ को जो आपने पढ़ा है इसके बारे में बताओ कि ये पैराग्राफ है किसके बारे में। सक्सेस इन योर लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, कीप योर बॉडी फिट बाई क्लीनिनेस। ये पैराग्राफ क्लीनिनेस की बात कही है, स्वच्छता की, फ्रेश एयर, शुद्ध हवा की बात कही है, ताजी हवा की, रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल रिक्रिएशन, ये सारी बातें जो कही जा रही है ये निश्चित रूप से बच्चों हेल्थ के बारे में है। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू प्ले द गेम, और खेल भी खेलकूद भी खेल करना चाहिए जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एवरी सेंस ऑफ द वर्ड अवॉइड बी अलर्ट इन ऑल थिंग्स एंड बीवेयर ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, इट इज द डेडली एनमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशियंसी। अबव ऑल रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज अ प्राइसलेस सजेशन, देयरफॉर कीप इट स्ट्रॉन्ग, बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स, बी कर्टियस एंड कंसिडरेट टू एवरीबॉडी। ओके, तो ये पैराग्राफ आपने आपके सामने मैंने दिया। अब इसमें देखो टाइटल, सबसे पहले व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, सफलता के लिए क्या चीज सबसे आवश्यक है। गुड हेल्थ, शुरू में ही हमने पैराग्राफ में बताया आपको कि गुड हेल्थ इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, विदाउट गुड हेल्थ वी आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस। अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः हमारी हेडिंग इस पैराग्राफ की क्या होगी, गुड हेल्थ नेसेसरी फॉर सक्सेस। टाइटल क्या है बच्चों, गुड हेल्थ नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब गुड हेल्थ नेसेसरी फॉर लाइफ ऑल्सो, हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से अच्छी हेल्थ आवश्यक है। सबसे पहले क्या क्या चीज आवश्यक है, क्लीनलीनेस। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, नंबर वन क्लीनलीनेस स्वच्छता, और नंबर टू फ्रेश एयर, नंबर थ्री गुड हैबिट। हमने अभी जो बातें कही उसी बातों में से हम लोगों ने छांट छांट के लिख ली कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। नंबर वन क्लीनलीनेस, नंबर टू फ्रेश एयर, नंबर थ्री गुड हैबिट, और नंबर फोर सुटेबल रिक्रिएशन। मैंने आपको कहा ना पहले आप उसको समझे पैराग्राफ को और किसके बारे में पैराग्राफ है, क्योंकि हेल्थ के बारे में बताई गई बातें इस पैराग्राफ में थी, तो हमने इसका टाइटल रखा गुड हेल्थ नेसेसरी फॉर सक्सेस, सफलता के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना आवश्यक है। अब अच्छा स्वास्थ्य कैसे हो, दूसरा सब पॉइंट है इसका थोड़ा सा, कैसे हो, स्वच्छता के माध्यम से, ताजी हवा के माध्यम से, गुड हैबिट के माध्यम से, सुटेबल रिक्रिएशन। तो हम लोग है ना ये बातें उसमें से अंडरलाइन करते जाएंगे और फिर उनको लिख लेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, स्वच्छता, ताजी हवा, अच्छी आदत और सही मनोरंजन, सुटेबल रिक्रिएशन। अब अवॉइड बैड हैबिट्स, क्या क्या बैड हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए बच्चों, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, पहले ही बात कही गई है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की, तो हमें इनको बिल्कुल नहीं इनको लाइफ में उपयोग करना चाहिए। क्या क्या, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, अब ये गंदी आदतें इनको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड नंबर कैरेक्टर प्राइसलेस सजेशन, कैरेक्टर कैसा, अपना एक अमूल्य खजाना है, अमूल्य खजाना है, तो हमें कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, बी ट्रूथफुल, सच्चे हो, कर्टियस,
विनम्र हो, कंसीडरेट संयमित हो, बी फेयर टू राइवल्स, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, अपने जिनसे बिल्कुल अच्छी पटती नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति हम लोग फेयर रहें, एंड हेल्पफुल टू अदर, और दूसरों के प्रति हेल्पफुल हो, मददगार हो, स्टैंड अप फॉर गुड प्योरिटी एंड नोबिलिटी। हमेशा बच्चों प्योरिटी शुद्धता, नोबिलिटी महानता और अच्छाई के लिए खड़े हो, यही अच्छे चरित्र की विशेषताएं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे तो पहले पैराग्राफ पढ़ते समय ही आपको समझ में आएगा कि यह सफलता के बारे में और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, और अच्छी सफलता, सही सफलता अच्छे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है, और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं वो हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया, फिर उसके बाद में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए, कैरेक्टर कैसा है, एक बहुमूल्य खजाना है, बहुमूल्य खजाना कैसे होगा, जब हम लोग सच्चे होंगे, विनम्र होंगे, कंसिडरेट होंगे, फेयर होंगे अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति और दूसरों के लिए मददगार सिद्ध होंगे, और अच्छाई के रास्ते पर खड़े होंगे हमेशा दूसरों के लिए। तो ये सब बातें आप लोग यदि बता पाएंगे, ठीक प्रकार से लिख पाएंगे, तो आपका नोट मेकिंग क्लियर हो जाए। अब बच्चों हम आपको समरी इस पैराग्राफ की बताएंगे किस तरह से, यही बातें इसमें, सक्सेस कहां से प्राप्त होती है, अच्छे स्वास्थ्य, गुड हेल्थ ब्रिंग सक्सेस, कीप योर बॉडी ऑलवेज फिट, अपनी बॉडी को हमेशा फिट रखें, अवॉइड बैड हैबिट्स, बिल्कुल एज इट इज लाइन लिख ली हमने, हमें हमेशा बैड हैबिट्स और स्मोकिंग ड्रिंकिंग इन सबको अवॉइड करना चाहिए, और कैरेक्टर क्या है, हमारा बहुमूल्य खजाना है, इसको हमें बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, सच्चा रखना है, संयमित रखना है, और हमेशा अच्छाई के लिए, प्योरिटी के लिए, नोबिलिटी के लिए हमेशा खड़े हो। ये सब बातें मैंने बताई, और इन्हीं लाइनों को हमने जो नोट्स बनाए थे, देखिएगा आप जो नोट्स में हमने बातें कही, वही सारी बातें हम इनको बिल्कुल सिस्टम से लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, समरी, गुड हेल्थ ब्रिंग सक्सेस। पहले ही पैराग्राफ में हम बता चुके व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, गुड हेल्थ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, या गुड हेल्थ ब्रिंग सक्सेस, दोनों ही सही है बच्चों बातें। अगली बात, कीप योर बॉडी ऑलवेज फिट, अपनी बॉडी को हमेशा फिट रखें, अवॉइड बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ें, जैसे कि क्या क्या बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तीसरी बात, व्हाट इज प्राइसलेस सजेशन, हमारा चरित्र है वो बिल्कुल प्राइसलेस सजेशन है, हमें बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, वही की वही बातें हमने जो अभी इसमें रखी थी, किसमें, नोट मेकिंग में, उन्हीं को हम बिल्कुल सिस्टेमेटिक ढंग से अपने शब्दों में कह देंगे, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, समरी। समरी आप लिख लो, लिखना चाहें तो, मैं एक बार बोल रहा हूँ, गुड हेल्थ ब्रिंग सक्सेस, कीप योर बॉडी ऑलवेज फिट, अवॉइड बैड हैबिट्स as smoking and drinking, character is your priceless possession, keep it strong, be truthful and considerate, stand up for good purity and nobility, good health brings success, what does good health bring, good health brings success, keep your body always fit, avoid bad habits as smoking and drinking, character is your priceless possession, keep it strong, be truthful and considerate,
स्टैंड अप फॉर गुड प्योरिटी एंड नोबिलिटी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग समरी को लिखना सीखेंगे। इस तरह से आप लोगों के सामने मैंने आज नोट मेकिंग की चर्चा की, नोट मेकिंग के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।